वाले हैं, लेकिन मीठा बहुत है। ठोक डालो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना करो, अपने भाई को जहां तक मुमकिन हो सके पहुंचा डालो ऊपर। ऊपर भगवान क्या नहीं यार, अल्लाह क्या नहीं। हो गया है भाई, सर पर लगाते थे कोपरों को, तनी मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, एक मुसीबत ये हो गया जाते जाते। वो अब हम निकल रहे हैं आगे, आज जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन निकलना ज़रूरी है। आ गए हैं हम हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास, तो अभी हम NH 21 को पकड़ेंगे। कहाँ पे है, कैसे है, बहुत बड़ा शहर है, कन्फ्यूज हो जाते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है, इसको खोजने में बहुत टाइम लग गया, ये है ना जो खो गया था। चलिए सफ़र जारी है, आप आखिरी वीडियो तक बने रहिए। पावर पावर एंड नॉर्थ वेस्ट देन मेक अ यू टर्न। रुक जाइए, डाल दीजिए। कितने का? फुल समझ रहे ना भैया, बहुत दिक्कत है। ये तेल अच्छा रहता है कि खराब रहता है? ये एक नंबर थे। आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में था, एक बंदे को दूसरा बंदा अगर हेल्प करता तो बहुत बड़ी बात। बेशक, बिल दे दीजिए। फिर आगे हम इसलिए डलवा लिया कि आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो अभी बहुत नॉर्मल मिलता है, ये वाला नहीं मिलता। पेट्रोल ले लिया, ये नेशनल हाईवे 731 ट्रक वाले, देखो ये देखो, बाप रे बाप, ये लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है यार ऐसे गाड़ी चलाने में, क्या होगा, तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा मेरे साथ। ऐसे जो ये लोग गाड़ी चलाते हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये तो किसी को भी पीस के निकल जाएगा भाई। लाइक गधे लोग आराम से तो गाड़ी चला सकता है ना, ज़बरदस्ती क्या है किसी चीज़ को करना। नेशनल हाईवे पर हम आ चुके हैं सर, NH 21 यही है ना, उड़ीसा जाने वाला रास्ता। फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर जो है इस पे लेफ्ट टर्न, फ्लाईओवर नहीं पकड़ना। अच्छा, दो हाईवे है ना, एक NH 2 जो दिल्ली जाती है, दिल्ली और 21 उड़ीसा जाएगी भुवनेश्वर तक, है ना। कितना किलोमीटर तक ये रास्ता है? फर्स्ट फ्लाईओवर आएगा सामने करके, दूसरा फ्लाईओवर आएगा, दूसरा फ्लाईओवर को नहीं पकड़ना है, उससे लेफ्ट साइड, नीचे 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 साइड। ओके ठीक है, शुक्रिया सर। तो हम आ चुके हैं NH 117 पे, यहाँ से सड़कें डिवाइड हो जाएंगी, एक सड़क चली जाएगी दिल्ली की तरफ, दूसरी सड़क चली जाएगी उड़ीसा की तरफ, बालाशोर नहीं 223 किलो, मुंबई 1977, दिल्ली 1491 किलो। भैया यहाँ से बंटवारा शुरू हो गया। ये रहा कोलकाता से निकलने के बाद पहला टोल प्लाजा, यहाँ से खड़गपुर 130 किलोमीटर है, यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर कटक सॉरी 400 किलोमीटर है, तो अब तक मैं 20 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। भुवनेश्वर 420 किलोमीटर है, यानी कि कटक से भुवनेश्वर सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से चेन्नई की जो दूरी है वो तकरीबन 1650 किलोमीटर है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेन्नई, कोशिश ये करूँगा कि मैं खड़गपुर ना जाऊँ। आज मुझे किसी भी हाल में बंगाल बॉर्डर से निकल जाना है, उड़ीसा बॉर्डर में घुसना है, चाहे खड़गपुर होके जाना पड़े या खड़गपुर ना होके जाना पड़े, ये दोनों बातें हैं। आप बने रहो वीडियो में, सफ़र अभी जारी है मेरे दोस्त।
30 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ गाइस, तो भूख लग गई है तो थोड़ा खा पी लेता हूँ। चाय हमारे देश की शान है भाई, चाय खाबो इसको पीबो, एक बंगाल की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। लाइक कर देना यार वीडियो को। चाय गर्म हो गया और सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे बोलिए। कुछ नहीं, ओके। हिंदी आता है? नहीं, हिंदी नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कोलकाता में लोग हिंदी जानते हैं, पर जब आप कोलकाता से बाहर निकलोगे ना, बहुत कम लोगों को हिंदी आता है। ठीक है दादा, भालो अच्छे, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। सफ़र जारी है, 25 किलोमीटर पार कर चुके से 50 किलोमीटर और खड़गपुर रह गया है दी था, जिसको मैं देखने के लिए चला आया यहाँ पर। सामने वो ब्रिज है ना, उसमें एक ट्रेन गुजर रही है, शायद ये हुगली नदी होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बड़ी नदी है जो बंगाल की। और यहाँ दीदी हाथ जोड़ दी हुई खड़ी हैं, क्या कह रही हैं दीदी? जब मैं फेसबुक खोल के देख रहा हूँ तो मेरा फेसबुक बैन लिख रहा है, लॉक कर दिया किसी ने। मैं अभी सोचा कि लाइव जाके आप लोगों को खबर दे दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन ये तो किसी ने लॉक कर दिया यार मेरे फेसबुक को। अब क्या होगा भैया, फेसबुक वाले मुझसे क्या दुश्मनी रह गई भाई तेरे को। खड़गपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहां से चेन्नई की जो दूरी है 1594 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर और रह गया है खड़गपुर। उससे पहले इस तरह का शहर का नज़ारा, ठीक है। हम और आप जिस सड़क पर चलते हैं वहां काम कैसे होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो पट्टी लग रही है, ये जाली से गिरा और उसमें जाके लग गया, फिर आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लाइन खींची हुई है वहाँ से शुरू होगी और वहाँ से बनेगा। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। लंबे समय के बाद हम आपसे फिर मिल रहे हैं। अभी आपने तो जो देखा कि वो बेचारा सड़क कैसे बना रहा था, सड़क में जो लंबे लंबे पट्टी टाइप के होते हैं वाइट वाले, उसको कैसे खींच रहा था। तो उस टाइप से पट्टियाँ खिंचाती हैं पूरे देश, पूरी दुनिया में ऐसी जहाँ भी सड़कें बनती हैं इसी तरह से बनती हैं। तो राइट नाउ आई एम इन खड़गपुर, खड़गपुर मैं पहुंच चुका हूं। तो अभी रास्ते में बहुत ऐसे प्रॉब्लम हुए थे मुझे, पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो मैं खड़गपुर शहर के अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे खड़गपुर किस लिए फेमस है ये आप सब जानते ही हैं, आईआईटी खड़गपुर, यहां बहुत बड़ा आईआईटी है और भी बहुत सारे फेमस चीज़ है यहां पे। तो मैं शहर के अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से निकलूँगा। आज का हमारा डिस्टिनेशन है बीसा बॉर्डर पहुंचने का। खड़गपुर के लिए इस तरफ जाना है जो सड़कें जा रही हैं वो, और बालाशोर जो है एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा शहर है, वो सीधा जाना है। यहाँ से खड़गपुर से शुरू हो जाता है NH-7 और भुवनेश्वर यहाँ से तकरीबन 318 किलोमीटर है, बालाशोर 119 किलोमीटर है, 1586 किलोमीटर है, रदीप 34 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर खड़गपुर था, 60 हो गया यहाँ से खड़गपुर से। उससे पहले ये नेशनल हाईवे था 16, यहाँ से तकरीबन अभी भी उड़ीसा का बॉर्डर जो है 60 किलोमीटर और है। हमें 60 किलोमीटर तक और चलना है तो जलेश्वर आएगा, जो उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर है। चलते चलते बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम संजय देवनांग है। कहाँ से? नारंगढ़। 60 किलोमीटर और है उड़ीसा का बॉर्डर यहाँ से। तो रास्ते में मैं चल रहा था तो भैया ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, दो तीन लोगों ने टोका, तो मैंने बोला कि मैं अभी ऑल ओवर इंडिया में हूँ, आज शाम जहाँ हो जाएगी मेरा रहना ठहना वहीं हो जाएगा। तो आज मेरा जो टारगेट है भुवनेश्वर तक जाने का, लेकिन हमको नहीं लगता कि भुवनेश्वर हम पहुंच पाएंगे। उड़ीसा का बालाशोर एक डिस्ट्रिक्ट है, आज वहां तो पक्का पहुंचेंगे, जो यहां से तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास है। अब हाँ 20-25 किलोमीटर खड़गपुर पीछे है और हम आगे।
जिस रास्ते का मैं बात कर रहा था कि जब आप कोलकाता से भुवनेश्वर की तरफ आएंगे, देख लो वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, इगरा, कंताई और दीघा, ये तीन गांव के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये NH 60 है। जब आप कोलकाता से भुवनेश्वर की तरफ रोड ट्रिप करेंगे तो आपको सबसे शॉर्ट रास्ता मैं बता देता हूँ। अगर आप खड़गपुर नहीं जाना चाहते हैं तो आप फिर कैसे जाएंगे कोई शॉर्ट रास्ता से? कोला घाट से आप अगर आते बाइक से तमलुक से फिर आप इगरा से फिर जायसवाल, जो बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर छोटा सा एक कस्बा है। अगर आप यहां से नहीं आ सकते थे तो बालीचक से इगरा और इगरा से फिर मोहनपुर और मोहनपुर से जलेश्वर, इस तरह से आप आ सकते थे। इस रास्ते में बहुत कंफ्यूजन था, किसी ने बोला ख़राब रास्ता है, किसी ने बोला अच्छा रास्ता है। अगर आप आते हैं तो आपको 50-60 किलोमीटर बच जाएगा। और मैं तो पूरा खड़गपुर होते हुए आया हूँ, खड़गपुर होते हुए आप आओगे तो 50-60 किलोमीटर मिस कर जाओगे। तो 13 किलोमीटर और अभी उड़ीसा की बॉर्डर है यहाँ पे। सड़क के किनारे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। परेशानी इस बात का है, सुबह 5 बजे निकला था मैं, इस वक्त दोपहर के 1 बज गए। 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर है, इसके बाद फिर हम लोग एक नए राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा सफ़र अभी जारी है मेरे दोस्त। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से क्या होता है ना कि हमको पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी है। एक फिजिकली हैंडीकैप इतना चल रहा है, पता है, मैं अपने दिल पे ना कलेजा, मैं अपने दिल पे या कलेजे पे जो बोल दो पत्थर बांध के चल रहा हूँ, पत्थर। क्या आप इतना नहीं कर सकते घर बैठे भाई? क्या आप घर बैठे शेयर नहीं कर सकते अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, फैमिली को? और वीडियो पूरा नहीं देख सकते मेरे लिए? शिमला से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर गया आया, गया से फिर कोलकाता आया, कोलकाता से फिर भुवनेश्वर जा रहा हूँ। अभी तो हमारा 12-13 स्टेट अभी बाकी है यार, पूरे स्टेट को कवर करना है, इंडिया के जितने स्टेट हैं सारे को कवर करना है। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोग का प्यार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो बोरिया भी इस तरह इतना बांधे हुए हूँ, धूप बहुत कड़ा हो गया, फिर भी मैं जैकेट पहने हुआ हूँ। लोग मुझे पागल कहेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि ये साला पागल हो गया क्या, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर है। आसपास एक भी आदमी जो यहाँ पे लोकल है वो तो साइकिल से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, परंतु जो यहाँ पे ना होटल है, गेस्ट हाउस है, ना कोई बाइक मैकेनिक है, कुछ भी होता है तो रात को मुझे इन्हीं जंगलों में, देखो इसके पीछे मेरे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जंगल है पूरी, वहाँ पे जंगल है, ये हाईवे है, उधर भी हाईवे, उधर खेत है, इधर जंगल है। अभी मैंने देखा वो रेलवे लाइन, अभी एक मालगाड़ी जा रही थी। ऐसे सिचुएशन में हम लोग चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ऐसा आदमी करता है ऐसा काम, ये पागल होने वाले काम। जिस दिन दुनिया आपको पागल बोलने लगे ना तो समझ लो आप सच में पागल हो और कुछ बड़ा करने वाले हो। वोट डालो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, मुमकिन हो सके पहुंचा डालो ऊपर। ऊपर भगवान क्या नहीं यार, अल्लाह क्या नहीं, मतलब सबसे ऊपर पहुंचा डालो।